हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। मैंने जो सीबीएसई से आंसर शीट मंगाई थी तो उसमें हुआ क्या, वो 13 तारीख को आई थी, 13 अगस्त को। और 13 अगस्त को मैं पंजाब गया हुआ था किसी काम से। तो भाई हुआ क्या, और मेरे को आज नहीं कल पता लगा है इस बात के बारे में कि जो रीवैल्यूएशन की डेट थी वो 13 और 14 अगस्त थी और वो निकल चुकी है। और इस टाइम भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो रहने वाली है प्रॉपरली कि जो मैंने आंसर शीट मंगाई थी, मैंने पैसे ऐसे लगाए 500 रुपये शुरू में, फिर 700 रुपये, और लास्ट में मैंने इसी चीज़ के लिए लगाए थे कि मेरे मार्क्स बढ़ जाएं और मैं अपने क्वेश्चंस दोबारा चेक करवा पाऊँ। लेकिन दिक्कत ये हुई कि लास्ट डेट निकल गई उस चीज़ की। अब पता नहीं क्या होगा। बाकी मैं अब सीबीएसई, देखो क्या ही बोलूँ सीबीएसई के बारे में। तो मैं कॉल कर रहा हूँ सीबीएसई के हेल्पलाइन नंबर पे, रीजनल ऑफिस पे, तो कोई उठा ही नहीं रहा। जबकि जो लैंडलाइन का नंबर है ना, उस पे कॉल कर रहे हैं तो ये आ रहा है कि स्विच ऑफ है। मतलब क्या सिस्टम है इनका, समझ ही नहीं आता। और उसके बाद अब मैं देखता हूँ कि रीजनल ऑफिस में ऑफलाइन मोड में जाके, खुद से जाके एक बार बात करके देखते हैं, क्या पता लेट फीस वगैरह करके कुछ बात बात हो, या फिर एक बार स्कूल के टीचर से भी मैं बात करूंगा। देखते हैं अब क्या होगा, जो भी होगा हम दिखाऊंगा मैं आगे आपको। तो बस ये वीडियो इसी चीज के ऊपर थी कि मेरा जो सीबीएसई का रीवैल्यूएशन था वो नहीं हो पाएगा, अब लास्ट डेट निकल गई है। तो कोई नहीं भाई, देखते हैं अब आगे क्या होगा।